रामा भाई का कहना है कि उनकी बंदी के साथ उनकी टिकट कटवाई जाएगी। तो मतलब क्या भाई, जीत गया टीम अपना। भाई शेर का शिकार हो गया। कुछ नहीं पता भाई क्या होगा। अब बाउंड्री चाहिए, एक बाउंड्री लग गया तो फिर बराबर भाई। क्या हुआ रे पाला, है क्या हुआ है? दिमाग से लगा लो, बिल्कुल ही जब टीम डाउन जाएगी तब भेजना इसको, इसको या तुम उसको भेजना। माही गया ना, माही में ऑब्जेक्शन था? माही पे नहीं था, कोई नहीं, जिस पे नहीं करा उसी को जान दे, बुला ले। और हमारे बीच स्लाइड के कैप्टन भी पहुंच चुके हैं, सचिन सौरभ। बोलो जुबा केसरी। आप पहाड़ों के खिलाड़ी हैं, जमीन पर आपका कोई स्कोप नहीं। कारनामे तो हैं आपके, कारनामे हैं। इसी बीच कमेंट्री में हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़े बड़े प्लेयर, पहाड़ों के आंटी लवर्स। हेलो हेलो माइक चेक। और माही लो भी मेरे पंजाबी वीरो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। आरडीसी बड़ा नाम, छोटे कारनामे इनके। और पुनीत हमारे बीच मौजूद है, जो कि आंटी लवर्स में जाने जाते हैं वैसे कि। मैंने देखा कसम से। गैंगस्टर ऋतुराज सिंह वो भी यही मौजूद है। और ये विकेट, अंपायर का फैसला आउट। फिर से बोलना चाहूंगा, आरडीसी नाम बड़ा है, कारनामे छोटे हैं इनके। माँ कसम मैंने देखा। और ये शेर शेर करते हुए उल्टी टोपी वाले प्लेयर हाथ में पानी की बोतल लेके आते हुए आते हैं हमारी तरफ। और ये एक शेर, और ये शेर 11। ये कहना चाहूंगा कि जैसे बाला ने मेरे धागे खोले हैं कमेंट्री में, मैं भी आपके खोलूंगा, अच्छे से खोलूंगा। तू गया बेटा, अब तू गया देख। रामा भाई का कहना है कि उनकी बंदी के साथ उनकी टिकट कटवाई जाएगी। तो मतलब रवि भाई फर्स्ट एसी में दो टिकटें रामा भाई की तरफ से रवि की ओर, 10 छक्के लगाने पर। सरीद कुमार का बहुत बढ़िया कैच, उल्टा टोपी पहन लेते हैं और कैच उल्टे उल्टे ले लेते हैं। बालाजी राय का कोई योगदान नहीं है फील्ड पे। राजस्थान से इनका बहुत नाता है, पता नहीं क्या है इनका राजस्थान में इनका कोई बहुत बड़ा नाता है। कुछ नहीं करेंगे आप देखिएगा, पूरे फाइनल मैच में बस हंसेंगे और एक आधी फील्डिंग कर देंगे। विकेट कीपर को देखिए, उत्साह देखिए विकेट कीपर में। आखिरी साल उनका, आखिरी ऑफिशियल टूर्नामेंट, चार बार कैप्टन रह चुके हैं। ये देखिए मिट्टी घिस रहे हैं। रवि बहुत ही तेज गेंदबाज है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। और कसरत करते हुए गिरीश भाई, कसरत करते हुए देखिए। अभी तक की पूरे मैच में रितेश तोमर का कोई योगदान नहीं, बस साइड में खड़े हैं, हंस रहे हैं। बालाजी राय राजस्थान के दामाद, अच्छा रनिंग गोलू का, रोक नहीं पाते गेंद, लेकिन दौड़ बहुत तगड़ा लेते हैं, बहुत ही बढ़िया फील्डर है गोलू। अभी तक के मैच में बाला का कोई योगदान नहीं। रितेश तोमर देखिए उछलते हुए आए हैं, लोगों से कोई काम के नहीं है, लेकिन उछलने में एक नंबर है। बालाजी राय बीच मैच में फोन में बात करते हुए ओवर स्मार्टनेस फिर से दिखाते हुए। अच्छी गेंद, अच्छा फ्लिक, गौरव अच्छा फील्डर है, ये अच्छा फील्डर है, लेकिन बालाजी को देखिए बहुत ही चुस्त पीछे दौड़ते हुए आ गए हैं। कोई योगदान नहीं है इस पूरे प्रतियोगिता में अभी तक बालाजी राय का। अच्छा छह रन, फुटबॉल भी नहीं है, क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं। अच्छा शॉट, बालाजी राय एक बार में बॉल पकड़ा जाएगा इनसे, नहीं देखिए एक बार में इनसे बॉल कभी नहीं पकड़ा जाता है, कोई काम के नहीं बालाजी राय, लेकिन राजस्थान में इनका बहुत संपर्क अच्छा है। गिरीश गेल, जी हाँ किस गेल के भाई, गिरीश गेल बहुत लंबा शॉट मारते हैं, क्या ये छक्का देखने को मिलेगा इनके बल्ले से। गिरीश गेल मुखिया
मिलना पड़ेगा जी। ये तो वक्त बताएगा। लूलिया क्या नाम है साले? ओ लूली नहीं बोल रहा है वो, सिंदर्भ नहीं है। शान द्वारा यू शेर तेरी गहली जाए वो संसार में। सही है, सही है। बहुत मुश्किल है अब तो। नहीं ये दो बॉल है, डिसाइड करेगा। कुछ नहीं पता भाई क्या होगा। दो बॉल है ना जी। और अच्छी गेंद शशांक, साथ में साथ छह गेंद में सात रन क्या हो सकता है? ओ भाई साहब इंटेंस भाई, एक बॉल पे एक रन, एक ओवर बचा हुआ है। अब बाउंड्री चाहिए। एक बाउंड्री लग गया तो फिर बराबर भाई, उसके बाद तो खत्म होगा। तीन में छह चाहिए। हाँ मतलब दो छह। अभी कितने चाहिए? दो में दो। अभी तीन ऑप्शन है, या तो चौका मार दो या फिर छक्का मार दो। नहीं हाँ छक्का तीक या फिर सिंगल ले लो भाई। सिंगल दो, सिंगल बराबर हो जाएगा। काफी अच्छा माहौल। शेर का शिकार हो गया दोस्तों, भाई शेर का शिकार हो गया। लास्ट वाला इंटेंस मैच था, मजा आ गया।